आदरणीय बंधु, कोरोना महामारी ने भयानक रूप ले लिया है। अब रोज रोज की घटनाएं मन को हिला रही है। सारे सरकारी सिस्टम लगभग कॉलेप्स हो चुके हैं। कल एक दंपत्ति को इलाज मिलना तो दूर, इलाज मांगते मांगते रेलवे के ट्रैक पर अपना परमानेंट इलाज करने के लिए चले गए। इस प्रकार की घटनाएं हृदय विदारक है। मुझे बहुत तकलीफ है। आज हम व्यवस्था में नहीं है, जान की बाजी लगाकर लोगों के लिए खड़े रहते। मैं कोटा के मंत्री जी से कहना चाहता हूं, मंत्री जी, हीरालाल को अस्पताल के गेट पर जवाब मिल गया, आप भर्ती नहीं हो सकते। उसके कारण उसके परिवार के और लोग संक्रमित ना हो, इसलिए उसने अंतिम सफर तय कर लिया। मेरी प्रार्थना है, आप यहां हर अस्पताल के गेट पर 4 मोबाइल नंबर की लिस्ट लगाएं, उठाएं। हर व्यक्ति को इलाज देना, हर व्यक्ति के जीवन को बचाने की जिम्मेदारी सरकार की है। आप यहां के प्रतिनिधि हैं, सरकार में प्रमुख भागीदारी के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है। किसको कहें, हम रोज 24 घंटे मोबाइल चालू रखकर एक एक गरीब को सांत्वना देते हैं, हाँ कर रहे हैं, व्यवस्था करवा रहे हैं। डॉक्टरों का मैं इसमें दोष नहीं देता, प्रशासनिक मशीनरी का दोष नहीं देता, पूरी ताकत से लगे हुए हैं। लेकिन आप यहाँ के प्रतिनिधि होने के नाते हीरालाल बैरवा जैसे दलित लोगों को क्या आश्वासन दे रहे हैं कि अगर आपको अस्पताल के गेट पर भर्ती कराने की सुविधा न मिले तो सरकार के नाते आप फिर कोई हीरालाल अंतिम सफर की ओर न बढ़े। भगवान के लिए मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। मैं एक पत्र भी आज आपको लिखने वाला हूँ। आप क्या कर रहे हैं कोटा के लिए, कुछ करें, बस इतनी मेरी आपसे विनती है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।